अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिज़र्ट लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसको बनाना बेहद आसान है। आई होप आपको ये मेरी न्यू रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दो पैकेट चाहिए हमें सेवैयों के। इसके अलावा कंडेंस मिल्क हमें चाहिए 1 कप और 3 टेबल स्पून हमें चाहिए बटर। और सेवैयों को हम तोड़ लेंगे। ये मैंने पैन ले लिया, सबसे पहले इसमें बटर डाल देंगे और साथ ही हम फ्लेम ऑन कर देंगे। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो गया, अब इसमें सेवैयां डाल दें, दोनों पैकेट। ये मैंने दोनों पैकेट डाल दिए, अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट भून लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और तकरीबन 2 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और 2 मिनट कुक किया। अब ये बिल्कुल रेडी है, फ्लेम बंद कर दें। ये मैंने पैन ले लिया, अब इसमें प्लास्टिक रैप बिछा देंगे क्योंकि हम सबसे पहले टोकरी रेडी करेंगे। और जो मैंने सेवैयाँ रेडी की थी वो इसमें इस तरीके से लगा दें। अगर आपके पास स्क्वायर शेप में पैन नहीं है तो आप गोलाई में भी ले सकते हैं क्योंकि हमने इसको शेप देनी है। ये देखिए मैंने सारी सेवैयाँ लगा दी हैं। अब इसकी जो चारों साइड्स है उसको भी सेवैयों से कवर कर लेंगे। और अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं पैन को, और इस तरीके से प्रेस करें स्पैचुलर की मदद से। अगर स्पैचुलर नहीं है तो आप इसकी जगह चम्मच भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह सेवैयों को कवर कर दिया। अब इसको हम सेट होने के लिए रखेंगे फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए। ये मैंने 1/2 कप लिया दूध का और 2 चम्मच हमें चाहिए चीनी के। कस्टर्ड पाउडर हमें चाहिए 1.5 चम्मच। इसके अलावा हमें फ्रूट कॉकटेल चाहिए 1 कप और चेरीज हमें चाहिए 1/2 कप। इसके अलावा 1/2 लीटर हमें चाहिए दूध का। ये मैंने दूध ले लिया, इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब पैन ले लें, अब इसमें हम सबसे पहले दूध डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखें दूध में बॉईल आ गया। अब इसमें ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दें और गाढ़ा होने तक मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें इस तरीके से चलाते रहें चम्मच। ये देखें ठीक होना शुरू हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे कलर, येलो कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है आप ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप मत ऐड करें। ये देखें ठीक हो गया, अब ये बिल्कुल रेडी है। आधा घंटा हो गया, टोकरी जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसका जो प्लास्टिक रैप है उसको हम उतार देंगे। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे। अब जो हमने कस्टर्ड रेडी किया था वो इस पर डाल दें और फ्रूट कॉकटेल है वो भी लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से सारे डाल दें। अगर आप चाहें तो और भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब जो बाकी कस्टर्ड था वो भी इस पर डाल दें। ये सारा हमने डाल दिया है, अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे चेरी से। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें सारी चेरीज हमने लगा दी हैं। अब इस पर ईद मुबारक लिखें क्योंकि ये हम ईद के लिए बना रहे हैं। ईद स्पेशल डिज़र्ट को मैंने डिश आउट कर दिया, ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरी रेसिपीज़ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।